हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यहां पे बात करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव न्यूज़ के बारे में, एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में, जहां पे हम लोग कह सकते हैं अगर आपके पास वो शेयर्स रहेंगे तो आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में, नेक्स्ट जो रिजल्ट रहेगा क्वार्टर फोर का, वो बहुत ही शानदार इन शेयर होल्डर्स के लिए यहाँ पे हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, एक्जैक्टली न्यूज़ क्या है उसको हम लोग सबसे पहले रीड करेंगे, कौन से स्टॉक्स को इसका फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में भी जानेंगे, राइट। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, आईटीसी के ऊपर भी लेटेस्ट वीडियो यहाँ पे आ चुका है, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, डी मर्जर से रिलेटेड आसान भाषा में समझा दिया है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड उसी के साथ साथ और भी तीन चार वीडियो की लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो लास्ट टाइम का जो बाजार था, मतलब 2021 तो चल रहा है, 2020 की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों ने देख लिया बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट देन रिकवरी। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो एक जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि कभी भी रिजल्ट आएगा तो इससे रिलेटेड तीन वर्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वो है प्री कोविड लेवल। यस दोस्तों, ये तीन शब्द प्री कोविड लेवल की अगर हम लोग बात करें, मतलब बिजनेस प्री कोविड लेवल तक अगर वापस पहुँच चुका है तो हम लोग कह सकते हैं उस पर्टिकुलर सेक्टर में, उन पर्टिकुलर बिजनेस में एंड उन पर्टिकुलर स्टॉक्स में हम लोग को अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है, एंड उन स्टॉक्स में भी हम लोग को जंप देखने को मिल जाएगी। सो इसी से रिलेटेड एक ज़बरदस्त ऑफिशियली डेटा हम लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि ये दोस्तों आप लोगों के सामने ओपन कर दिया है। एंड ये किससे रिलेटेड है दोस्तों, तो ये रिटेल इंडस्ट्री से रिलेटेड ही। ये दोस्तों, ये कोई सोर्सेज के द्वारा डेटा सामने नहीं है, फेब्रुवरी मंथ का जो डेटा था वो यहाँ पे सामने आ चुका है अकॉर्डिंग टू द रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। सो क्या डेटा है सामने, तो दोस्तों यहाँ पे बताया जा चुका है कि जो पहले की हालत ख़राब थी रिटेल बिजनेस, आप सभी लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा कोविड के वजह से इम्पैक्ट हुआ था, क्योंकि रिटेल में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, राइट। आप सभी लोगों को पता है, मतलब हर कोई पैमाने के ऊपर आप लोगों को वहाँ पे चीज़ें मिल जाएगी। सो उसमें जो नॉन इसेंशियल्स थे वह सब आप लोगों को पता है वहाँ पे बंद करना पड़ा था। सो इसका इम्पैक्ट बहुत ही बुरी तरीके से रिटेल बिजनेस के ऊपर पड़ा था। सो अभी का जो फेब मंथ का डेटा आया है उसमें बताया जा चुका है कि ज़बरदस्त फुल स्विंग रिकवरी देखने को मिल रही है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 93% की रिकवरी है, जो कि प्री कोविड लेवल का जो सेल्स था उसके वो यहाँ पे मैच कर रही है। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हम लोग को फिलहाल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड ऑटोमेटिकली दोस्तों इसका जो इम्पैक्ट रहेगा, अभी हम लोग फेब मंथ की यहाँ पे बात करें, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ दिसंबर ख़त्म हो गया, सो जनवरी फेब्रवरी एंड मार्च, ये तीन मंथ जो आखिरी के अगर हम लोग बात करें, क्वार्टर फोर का डेटा रहेगा वो अप्रैल मंथ में अभी आना शुरू हो जाएगा, राइट। मार्च की अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट आधा मार्च खत्म हो चुका है, 15 दिन के बाद वापस हम लोग को सारी चीज़ें शुरू होते हुए देखने को मिलने वाले रिजल्ट से रिलेटेड। सो ये पॉइंट आप लोगों ने नोट करके रखने चाहिए, जो कि आप लोगों के पास अगर रिटेल सेक्टर से जुड़े हुए यहाँ पे स्टॉक्स रहेंगे वो ज़बरदस्त ग्रोथ आप लोगों को यहाँ पे दिखा सकते हैं। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अलग अलग, अभी रिटेल की मैं बात करूँ तो अलग अलग आप लोगों को चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, बट हर एक इसमें अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव ग्रोथ ही हम लोगों को फिलहाल देखने को मिल रही है, जो कि RAI का जो रिपोर्ट है उसके बेसिस के ऊपर ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ। सो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे ऊपर से एक एग्जांपल देने के लिए आप देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी, लाइक फुटवेयर में यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ है, ब्यूटी में है, वेलनेस में, पर्सनल केयर में है, स्पोर्ट्स में है, फूड्स में है, राइट। उसी के साथ साथ गुड्स में भी है, ग्रॉसरी में है, मतलब जितने भी ये जो डेटा हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है सभी इसमें रिकवरी देखने को मिल रही है, जो कि ये संकेत देता है आने वाले जो रिजल्ट रहेंगे वो इन सेक्टर की कंपनी के लिए अच्छे रहेंगे। सो आप लोग देख सकते हैं द क्वांटम ऑफ द डी ग्रोथ इन अ रिटेल सेल्स हैज़ रिड्यूस एज मोस्ट सेगमेंट इन अ रिटेल हैव स्टार्टेड टू शो अ सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट, जो कि यहाँ पे RAI ने ये डेटा रख दिया है। सो ओवरऑल जो बातें मैंने बोली है उसका एक ही कंक्लूजन निकलता है कि रिटेल का जो बिजनेस बीच में ज़बरदस्त ख़राब हुआ था, मतलब रिटेल के बड़े बड़े कंपनीज भी अगर आप लोगों ने देखे होंगे, अभी रिटेल की मैं बात करता हूँ तो मेरे सामने तो सबसे पहले कोई कंपनी आती है तो वो आती है एवेन्यू सुपर मार्ट, डी मार्ट। मैंने इससे पहले भी आपको बोला है जिस दिन ये FNO में एंट्री आ जाएगी इसकी, उसके नेक्स्ट रीबैलेंसिंग के कुछ ही रीबैलेंसिंग अगर आप कंसिडर करोगे ये निफ्टी फिफ्टी का पार्ट बन जाएगा, इतना ये सॉलिड कंपनी है। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है इनका बिजनेस करने का तरीका भी सही होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रॉपर्टी खरीदते हैं, डेट फ्री कंपनी अभी ये बन चुकी है, सेबी का भी कोई इशू नहीं है, मतलब सेबी का मतलब 75 to 25 का सब कुछ जितने भी रूल्स है कंप्लाई करके बैठा हुआ है, एंड मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात करें टॉप 20 में भी ये कंपनी आ जाती है। सो एवेन्यू सुपरमार्ट की भी अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये भी रिटेल सेगमेंट में ही है, नॉन इसेंशियल के मतलब चलाने से रिलेटेड बीच में बंदी आई थी
कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो इनका भी सेल्स बहुत ख़राब हुआ था। आप चाहो तो मेरे वीडियोस देख सकते हो, तभी मैंने वीडियो बनाया था कि क्या डीमार्ट बर्बाद हो जाएगा, क्या बंद हो जाएगा। बंद तो कोई नहीं होने वाला है, क्योंकि सिचुएशन हर किसी कंपनी के लिए बिल्कुल सेम थी। सो एवेन्यू सुपरमार्ट आप देख सकते हो क्या ज़बरदस्त कमबैक यहाँ पे उन्होंने किया है, एंड 3000 का लेवल फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो रिटेल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ, बहुत सारे स्टॉक्स आपके सामने अभी आ चुके होंगे। अगर वो स्टॉक अगर आपके पास रहेंगे तो ज़रूर मैं आपको कह सकता हूँ कि आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर फोर के नंबर्स आप लोगों के लिए मिठास वाले ज़रूर यहाँ पे रह सकते हैं। बहुत ही शानदार नंबर्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को भी मिल सकते हैं। सो एवेन्यू सुपरमार्ट अगर आपके पास रहेगा तो देखा जाए तो जरूर आप लोगों ने होल्ड करना है। 37% की डिलीवरीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड जितने भी अभी रिटेल की मैं फटाफट नाम यहाँ पे लेने वाला हूँ, टाटा ग्रुप का ट्रेंड आप सभी लोगों को बताए, जो कि एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक था, जो कि अभी हम कह सकते हैं लार्ज कैप कैटेगरी में आ चुका है। 800 रुपये का स्टॉक है, ये भी रिटेल कैटेगरी वाला है। कोविड की अगर हम लोग बात करें तो साफ इम्पैक्ट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बट कंपनी आप देख सकते हो कमबैक देख लेना, बहुत ही शानदार है। सो हम लोग कह सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि इसमें पहले गिरावट नहीं थी, गिरावट हुई थी, बट ये वाली गिरावट बहुत ही बड़ा झटका था। सो अच्छे स्टॉक की निशानी वही होती है कि वो कमबैक दिखाते हैं। सो ट्रेंड के ऊपर भी आप लोग नज़र रख सकते हो, डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर फोर के नंबर इनके लिए शानदार साबित हो सकते हैं। 32-33% के आसपास अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे भी माल उठाते हुए देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, जो कि फ्लिपकार्ट ने इसमें 1500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है, राइट, इन्होंने भी बहुत सारे अलग अलग एक्विजिशंस यहाँ पे किए। सो ज़रूर ये कंपनी भी एक टर्न अराउंड वाला पॉइंट यहाँ पे साबित कर सकती है, बट अभी तक कंपनी के जो नंबर्स रहे वो इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। सो डेफिनेटली आप लोगों ने इस कंपनी को भी अपने रडार पे सेट करके ज़रूर रख लेना चाहिए। शायद से ये जो डील है 1500 करोड़ की, शायद से इस कंपनी का जो फ्यूचर है उसके लिए बहुत ही अच्छा खासा इंपैक्ट इनके ऊपर देखने को भी मिल सकता है। सो इसके ऊपर भी फोकस रखना। आज के दिन की अगर हम लोग बात करें 17 तारीख की, तो लगभग 60% की डिलीवरीज इसमें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन थोड़ा सा और आगे आ जाते तो रिलायंस इंडस्ट्री भी, यस दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है रिलायंस की भी बात करें तो इसमें जियो भी आता है, O2C बिजनेस भी फिलहाल देखने को मिल रहा है, एंड इसमें रिलायंस का रिटेल का भी बिजनेस हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अल्टीमेटली रिलायंस के रिटेल आर्म की भी अगर मैं बात करूँ तो ज़रूर हम लोगों को वहाँ पे भी अच्छी खासी पॉजिटिविटी ज़रूर देखने को यहाँ पे मिलेगी। तो रिलायंस को भी आप लोग फोकस पे यहाँ पे रख सकते हो। अभी बाकी के भी स्टॉक्स, जैसे अगर मैं बात करूँ वी मार्ट रिटेल की भी बात करूँ, तो इसको भी यहाँ पे ज़रूर डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली भी फायदा होगा ही होगा। एंड जैसे मैंने आपको बताया रिटेल सेक्टर की बात करूँ तो बहुत सारी लंबी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। हर किसी स्टॉक को मैं कवर नहीं करूँगा, बट आप और भी स्टॉक्स यहाँ पे देख सकते हो। शॉपर स्टॉप की अगर मैं बात करूँ सो ये भी रिटेल कैटेगरी में ही आता है। हालांकि हम लोग कह सकते हैं स्ट्रगलिंग वाला ज़्यादा देखने को मिलता है, स्ट्रगलिंग मोड आप देख सकते हो कि जो हायर लेवल था वहाँ तक अभी तक कंपनी नहीं आई। बट मैं कह सकता एक स्मॉल कैप टाइप का ये स्टॉक है, रिस्की स्टॉक है। मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ ना कोई रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिटेल सेक्टर से जुड़े हुए जितने भी स्टॉक्स है उनके ऊपर फोकस रखना। इतने ही स्टॉक्स नहीं, ये तो मैंने आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल यहाँ पे बता दे, ऐसे बहुत सारे रिटेल सेक्टर से जुड़े हुए स्टॉक आप लोगों को मिल जाएंगे, उनको आप लोग रडार पे सेट करके आगे स्टडी करके यहाँ पे बढ़ सकते हो। सो न्यूज़ तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही पॉजिटिव है। इसका इंपैक्ट क्वार्टर फोर के नंबर्स के ऊपर ज़रूर हम लोगों को कुछ कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर ज़रूर देखने को मिलेगा। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, तो बाकी लोगों को भी पता चल जाएगा। एंड जैसे मैंने कहा ITC के डी मर्जर से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन के कारण, इश्यूज के कारण आप तक वो वीडियो नहीं पहुंचा है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।